अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर नॉलेज। सितारों से भरा आसमान तो हम रोज देखते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका वजूद कैसे हुआ और इसने कब खत्म होना है? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब किसी इंसान को मालूम नहीं, सिर्फ चंद अंदाजों के सिवा। अगर साइंस की नज़र से देखें तो इस कायनात की इब्तिदा बिग बैंग से हुई। इस थ्योरी के मुताबिक तकरीबन आज से 12 से 14 अरब साल पहले पूरी कायनात एक पार्टिकल की शक्ल में थी। इसमें बहुत सी गैसें भरी हुई थी। किसी वजह से इन गैसों का इखराज हुआ और बिग बैंग वकूफ पजीर हुई, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वजूद में आए। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे कायनात ठंडी होती गई और हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, मिट्टी और गैस के बादल रूनुमा हुए, जिसे नबोला कहते हैं। फिर इस नबोला से सितारों का वजूद हुआ। ये तो था हमारी कायनात का छोटा सा तारुफ। चलिए अब पता चलाते हैं कि कायनात कितनी बड़ी है। हमारी कायनात इतनी बड़ी है कि अगर दो तारों के दरमियान की दूरी को नापना हो तो हम रोशनी की स्पीड का इस्तेमाल करते हैं। रोशनी की स्पीड तकरीबन 3,00,000 किलोमीटर फी सेकेंड है, और सितारों की दूरी को नापने के लिए हम रोशनी की स्पीड को 1 साल में मद्देनजर रखते हैं। यानी 1 साल रोशनी की स्पीड 9460 7304 7258 08 के बराबर है, जिसको हम लाइट ईयर भी कहते हैं, जो कि तकरीबन 9 ट्रिलियन किलोमीटर बनती है। दुनिया के सबसे बेहतर माने जाने वाले साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि रोशनी की स्पीड से तेज इस पूरी कायनात में कुछ भी नहीं, और ना ही इसके बराबर कोई चीज़ चल सकती है। मान लीजिए कि इंसान ने एक रोशनी की स्पीड से चलने वाला जहाज बना लिया, तो वो जहाज 3,00,000 किलोमीटर फी सेकेंड की स्पीड से चला तो वो जहाज नहीं बल्कि रोशनी ही बन जाएगा। इसीलिए इसके बराबर कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। अब हम मापते हैं हमारी गैलेक्सी में मौजूद कुछ सियारों को और देखते हैं कि कौन सा सियारा कितना बड़ा है। चांद, जिसका डायमीटर तकरीबन 3500 किलोमीटर है और ये 3500 किलोमीटर बड़ा है। मरकरी 5000 किलोमीटर, मार्स 7000 किलोमीटर, वीनस 12500 किलोमीटर और ये सभी सियारे हमारी गैलेक्सी का हिस्सा हैं, और हमारी गैलेक्सी का डायमीटर तकरीबन 1,00,000 लाइट ईयर्स के बराबर है। हमारी गैलेक्सी के सबसे नज़दीक मौजूद गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी से तकरीबन 2,50,00,000 लाइट ईयर्स दूर है, और ऐसे ही अरबों गैलेक्सीज के मिलने से बनता है लोकल सुपर क्लस्टर गैलेक्सी, जिसका डायमीटर 55 करोड़ लाइट ईयर्स है। और ऐसे ही लोकल सुपर क्लस्टर गैलेक्सीज के मिलने से बनता है दी कॉस्मिक वेव। दी कॉस्मिक वेव हमारी ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स के अंदर आता है। ऑब्जर्वल यूनिवर्स का मतलब जमीन को फर्जी मानकर जितनी दूर तक हम देख सकते हैं उसे कहते हैं ऑब्जर्वल यूनिवर्स। यानी कि आज की साइंस ने सबसे ज्यादा दूर मौजूद जिस सियारे को देखा था वो तकरीबन 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स पहले जमीन की तरफ चला था, जिसे हम आज देख पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जर्वल यूनिवर्स का डायमीटर 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स ही है, बल्कि ये अब 27 बिलियन लाइट ईयर्स के बराबर है, जो हमसे लगातार दूर होता जा रहा है, क्योंकि हमारी कायनात लगातार फैलती जा रही है और ये सियारे हमसे और भी दूर हो रहे हैं। अब साइंसदानों के मुताबिक कायनात के फैलने की वजह से हमारा ऑब्जर्वल यूनिवर्स का डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स हो गया है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, क्या हम कभी इतनी बड़ी कायनात का सफ़र कर सकेंगे? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।